फाइनली एप्पल ने कल कर दिया है अपना आईफोन 15 रिवील, जिसमें उन्होंने चार मॉडल्स निकाले हैं, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स। प्रो और प्रो मैक्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस वाली वीडियो में बात करेंगे आईफोन 15 और 15 प्लस की। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइजेस की, और भाई ये वाली चीज मेरे को बहुत सही लगी क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे थे बहुत ज्यादा कि इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। जितने का आईफोन 14 मिल रहा था यानी कि 80,000 का, उतना ही आपको आईफोन 15 मिल रहा है, एंड 15 प्लस आपको 90,000 में मिल जाएगा 128 GB वाला। तो यानी कि दोनों का बेस वेरियंट भी आपको 128 GB का ही मिलेगा। चलो भाई बात करते हैं इनके डिजाइन चेंजेस की। सबसे पहले फाइनली भाई इस ग्लॉसी वाले टेक्सचर को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे आपको मैट टेक्सचर मिलने वाला है। और इस बार जो इन्होंने कैमरा मॉड्यूल में ग्लास यूज किया है भाई वो बहुत ही स्मूथ लग रहा है। कैमरा मॉड्यूल और बैक पैनल एक ही ग्लास का लग रहा है, कुछ ऐसा स्लोप तरीके का टेक्सचर दिया है उन्होंने, जबकि अगर 14 को देखें तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये ऊपर से पेस्ट किया गया है। ऑल्सो यहाँ पे मैट कैमरा मॉड्यूल होता था, इस बार अब आपको ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों ही तरफ पे फ्लैट एजेस अभी भी मिल रही है, चारों ही राउंडेड कॉर्नर्स अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा चेंज आपको मिल रहा है ये है इसका नॉच। इसके इस पुराने वाले नॉच को हटा के डायनामिक आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो प्रो वेरिएंट्स वाला डायनामिक आइलैंड है ये अब आपको आईफोन 15 और 15 प्लस दोनों में मिलेगा। और इस वाले डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, इसकी जो HDR ब्राइटनेस है ये 1600 निट्स तक जाएगी और इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाएगी, जो कि भाई आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में मिलती थी। तो डेफिनेटली भाई डिस्प्ले में बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स हैं। हां अभी भी 60 हर्ट्ज है जो कि एक बहुत बड़ी कंप्लेन है मुझे, भाई 80,000 90,000 देके भी अगर ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिला तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। होपफुली नेक्स्ट ईयर के जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आपको 120 हर्ट्ज वाला प्रोमोशन डिस्प्ले मिलेगा, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो मिलेगा ही। इस बार के कलर्स भी आपको काफी डिफरेंट मिल रहे हैं, पिंक, येलो, पेस्टल ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर मिल रहा है, यानी कि आपको कोई भी व्हाइट या सिल्वर कलर नहीं मिल रहा है इस बार। फ्रंट में सेरेमिक शीट मिल रही है जो कि पहले भी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिल जाता है आपको, वो है इसका प्राइमरी लेंस। इस बार इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का लेंस ऑफर किया गया है जो कि भाई अनलॉक करता है एक टेलीफोटो लेंस की पावर को, यानी कि जैसे कि आईफोन 14 प्रो में 48 मेगापिक्सल का लेंस है, ये एक एडिशनल लेंस को ओपन कर देता है, मतलब ये एक 48 मेगापिक्सल की पूरी इमेज को क्रॉप करके एक एडिशनल 2x लेंस प्रोवाइड करता है, जो कि भाई अब नॉन प्रो मॉडल्स में टेलीफोटो लेंस का काम करेगा, जिससे भाई पोर्ट्रेट्स वगैरह नेक्स्ट लेवल खींच पाओगे, मजा आ जाएगा। तो जैसे ही फोन हाथ में आता है भाई उसकी टेस्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब नाउ। इसके अलावा कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी और फोटोनिक इंजन मिलकर बहुत अच्छे तरीके से फोटोज को कैप्चर करते हैं, HDR बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं। इसके अलावा अब आपको ऑटो पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, यानी कि अगर आप नॉर्मली किसी एक पर्सन का फोटो खींच रहे हो या फिर किसी डॉग कैट का फोटो खींच रहे हो तो भाई वो डिटेक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर देता है। आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर को खत्म भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि इससे भाई नेक्स्ट लेवल फोटोज आने वाली हैं आईफोन 15 से। ऑल्सो आप फोटो क्लिक करने के बाद भी रियल टाइम में अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग चीज हो जाती है। ये सेम चीज सिनेमेटिक मोड में भी कर सकते थे, अब आप फोटोज में भी कर सकते हो। इसमें आपको A16 बायोनिक चिप मिल जाएगी जो कि आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स में मिलती है आज की डेट में। ऑल्सो इसके अलावा आपको इसमें अल्ट्रा वाइड बैंड 2 चिपसेट मिल जाता है, यानी कि बाय चांस अगर आपका फोन इधर उधर हो जाता है तो उसको ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इसके बाद। इवन आप अपने आईफोन को बोल के अपने फ्रेंड्स की लोकेशन भी ढूंढ सकते हो अगर आप कहीं मार्केट वगैरह में हो, तो ये बहुत अमेजिंग फीचर हो जाता है और ये आपके आईफोन को और भी ज्यादा सिक्योर बना देता है और भी ज्यादा डिस्कवरेबल बना देता है। ये U1 चिप से 3x ज्यादा पावरफुल है। ऑल्सो जो इमरजेंसी SOS वाला फीचर है सैटेलाइट वाला, वो अब आपको 14 अलग अलग कंट्रीज में एक्स्ट्रा मिल जाता है, हालांकि इंडिया में अभी नहीं आया है पर होपफुली आ जाएगा। इसके अलावा भाई सबसे बड़ा अपग्रेड आपको इसमें टाइप सी मिल जाती है, और जैसे कि लीक्स आ रहे थे USB टाइप सी 2.0 मिलने वाला है, तो हाँ इसमें 2.0 ही है और कोई भी थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये अलर्ट स्लाइडर ही मिलने वाला है, कोई भी एक्शन बटन आपको नॉन प्रो वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। काफी सारे चांसेस यही लग रहे थे कि इसमें मिलेंगे, लेकिन भाई नहीं मिला है इसमें, तो वो जो एक्शन बटन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रो वेरिएंट्स में मिलेगा। और इसके साथ उन्होंने टाइप सी एयरपॉड्स भी निकाले हैं, ताकि आप सेम केबल से अपने एयरपॉड्स, अपना आईपैड, अपना मैकबुक और अपना आईफोन सेम केबल से चार्ज कर सकें। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, 48 मेगापिक्सल का लेंस बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है, वो एक 2x एडिशनल टेलीफोटो लेंस को ऑफर करता है। नंबर 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि आपकी केबल संभालने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। नंबर 3 मैसिव ब्राइटनेस मिलती है जो कि अलग से स्टैंड आउट होता है, अगर आप 14 से 15 में जाओगे तो डेफिनेटली आउटडोर ब्राइटनेस में बहुत बड़ा फर्क समझ में आएगा। नंबर 4 डायनामिक आइलैंड मिल जाता है जो कि प्रो वेरिएंट्स में मिलता था, और नंबर 5 इसमें मैट टेक्सचर मिल जाता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस बार के जो आईफोन के डिजाइन है वो मुझे पर्सनली दिल से बहुत पसंद आए हैं, बिकॉज मुझे
ग्लॉसी इतना पसंद नहीं है, दिखने में अच्छा लगता है लेकिन भाई इसको छुओ यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ जाती है जो कि थोड़ा सा अननोन हो जाता है, स्पेशली गर्मी वगैरह में हमसे ज्यादा हमारा फोन पसीना पसीना हो जाता है। तो भाई कैसी लगी आपको आईफोन 15 सीरीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, दोनों में से कौन सा फोन खरीदने वाले हो या फिर बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 14 की तरफ जाओगे नीचे कमेंट कर देना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं अमिताभ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।